नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपके अपने होस्ट दोस्त डॉक्टर वैराकी, और इस वक्त मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में बैठी हूं, एक धार्मिक यात्रा पर जा रही हूं। और अगर आप इस धार्मिक यात्रा में मेरे साक्षी बनना चाहते हैं, हर कदम पे मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब पर, मेरे फेसबुक पर और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। आपको, हमको सबको पता है कि कौरवों के बीच में और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, और दुर्योधन और अर्जुन के बीच में एक शंका थी कि कृष्ण किसका साथ देंगे। तो दुर्योधन को उसके मामा ने समझाया कि तुम जाकर कृष्ण से कहो कि वो हमारा साथ दें। अर्जुन को उनकी पत्नी ने समझाया कि तुम जो है वासुदेव के पास जाओ, उनसे बोलो वो हमारा साथ दें। तो दोनों पहुँचे। जब दोनों पहुँचे तो वहाँ पर दुर्योधन पहले पहुँचा। उसने देखा प्रभु सो रहे हैं। उन्होंने प्रभु को सोता हुआ देखा और देखा कि पहले प्रभु के चरणों की तरफ गए, फिर उन्होंने सोचा मैं चक्रवर्ती राजा का बेटा हूँ, मैं पैरों में क्यों बैठूँ। और वो उनके सर के पीछे एक आसन था, वहाँ जाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे भगवान के उठने की। इतने में अर्जुन वहाँ पहुँचा। जब अर्जुन वहाँ पहुँचा तो उसने देखा प्रभु सो रहे हैं, वो प्रभु के चरणों में जाकर बैठ गए, और चरणों में भी ज़मीन पे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद कृष्ण ऐसे सो रहे थे, जब कृष्ण उठे तो उन्होंने, उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी और बोले अरे अनुज तुम आए हो, उठो, बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला लेकिन मुझसे पहले तो मेरे भ्राता श्री दुर्योधन आए, आप उनसे पूछ लीजिए। अरे दुर्योधन तो मेरे सर पर बैठे थे ना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तो बोले मैं सर पर नहीं बैठा था, उन्हें बुरा लगा ये बात। उन्होंने बोला मैं आपके पीछे बैठा था। तो बोले अक्सर आगे बैठने वाला भले ही फिर वो चरणों में क्यों ना बैठा, वो पहले दिखाई देता है। तो उन्होंने बोला कि अर्जुन तुम पहले मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। लेकिन अर्जुन संस्कारी था, उसने बोला नहीं, भाई पहले आया, भाई से आप पूछ लीजिए उससे क्या चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आप पक्षपात कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, मैंने पहले तुम्हें देखा है तो तुम ही मुझसे पहले मांगोगे। तो उसने बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तो युद्ध में तुम दोनों का साथ दे नहीं सकता क्योंकि मैंने अस्त्र शस्त्र ना उठाने की कसम खाई है। तो बोले भगवान, बस अर्जुन बोले मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो दुर्योधन हंसने लगे और बोले आपको अगर भगवान चाहिए, कृष्ण चाहिए, आप कृष्ण को ले लो, लेकिन मुझे कृष्ण की, दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी सेना, नारायणी सेना चाहिए, नारायण नारायण नारायणी सेना। और भगवान ने कहा तदास्तु। और आप देखिए 100 कौरव नारायणी सेना को ले गए, और जो कि सबसे बड़ी सेना थी, और उसके बाद भी युद्ध हार गए। और निरअस्त्र जो है शस्त्र कृष्ण को ले जाकर पांडव सिर्फ 5 होकर भी युद्ध जीत गए। धर्म उसी तरफ होता है जहाँ भगवान होते हैं, फिर संख्या चाहे कोई भी हो, जीत आपकी होती है। और जब हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं ना, तो उसके सर पर बैठकर नहीं मांगते, नीचे बैठने वाले के गिरने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। और जो व्यक्ति नीचे बैठता है ना, वो जीवन में सब कुछ पाता है। अगर मजबूरी में कभी किसी के सामने झुकना पड़ रहा है या उसे कुछ मांगना पड़ रहा है, तो भावना की तरह, अर्जुन की तरह जाकर मांगिए, और अपने आप को नीचा समझ के नहीं, सामने वाले को ऊंचा समझ के मांगिए, निश्चित ही जीत आपकी होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का रखे खास ध्यान। जय। और हाँ, इस कहानी से मैंने एक बात और सीखी कि जो पैरों के पास रहता है वो हमेशा जीतता है। पैरों के पास रहने वाला चमचा, नीचा, छोटा कभी नहीं होता। जैसे मछुआरा जब अपना जाल फेंकता है तो दूर फेंकता है और सारी मछलियाँ उसमें फंस जाती हैं, लेकिन मछुआरे के पैर में जो मछलियाँ होती हैं वो कभी नहीं फंसती। इसलिए कई बार झुकने में, पैरों में बैठने में बहुत फायदा होता है। जय माता।